Hey, good morning students. Have you done your work? Welcome back to your second class. Okay, I have given a work to you. Find when you celebrate April Fool's Day. Yes? I hope you have written here. Yes or not? Okay, now next is why we celebrate April Fool's Day. आपको पता लगाना है कि हम क्यों celebrate करते हैं April Fool's Day. Okay, this is your second task. Now we are coming to our story back. हमने अभी तक पढ़ा था कि उसने अली है जो वो अपने friend के पास पहुंच जाता है, उससे discuss करता है हाँ क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता. ठीक है, तो द सेज लिसेंड क्वाइटली. सेज होता है महात्मा टाइप. ठीक है, उसने बहुत ध्यान से सुना. ही सेड थिंकिंग, वह बैठ के सोचता रहा. देन ही सेड आई हैव अ प्लान. वो कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है. फार अवे अक्रॉस द वैली इज द पीक ऑफ लीसी लू. ओके, अब उसने कहा दूर ना एक वैली, वहाँ पे मतलब जगह है और वहाँ से ना बहुत इजीली जो वो पहाड़ का शिखर है वो दिख सकता है. गो एंड स्टैंड ऑन द हाईएस्ट रॉक, वहाँ पर जाओ और सबसे ऊंची चोटी पे खड़े हो जाओ. डाउन बिलो आई शैल बिल्ड अ फायर, मैं नीचे वहाँ पर क्या करूँगा, एक आग जला दूँगा. सच दैट यू कैन सी इट फ्रॉम वेयर यू स्टैंड, तो तुम जब वहाँ खड़े होगे वहाँ से तुम उस फायर को ईजिली देख पाओगे. ओके, फायर को ईजिली देख पाओगे तुम. अब क्या हुआ, ऑल नाइट यू मस्ट वॉच द लाइट ऑफ माई फायर, पूरी रात आप उस फायर को देखते रहना. डू नॉट क्लोज योर आइज, अपनी आँखें बंद बिल्कुल मत करना. और लेट द डार्कनेस क्रीप अपॉन यू, और जो अंधेरा है उसको अपने ऊपर आने दो, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपली वॉच द फायर, तुम्हें सिर्फ आराम से क्या काम करना है, फायर को देखते रहना है. थिंक ऑफ इट्स वार्म्थ एंड थिंक ऑफ मी, बस क्या सोचो कि फायर की जो गर्माई है वो मिल रही है. एंड थिंक ऑफ मी, और मेरे बारे में सोचो. योर फ्रेंड सिटिंग देयर, कि तुम्हारा जो दोस्त है वहीं पर बैठा है. इफ़ यू डू दिस यू विल लिव, नो मैटर बिटर द नाइट विंड इज. अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आप जिंदा भी रहोगे. यू विल लाइव, आप जिंदा रहोगे चाहे कितनी भी बिटर. वैसे तो बेटर मीनिंग होता है कड़वा, पर कड़वा क्या होता है यहाँ पर, बिटर को हम पेनफुल वर्ड से यूज़ करेंगे. चाहे रात में कितनी भी पेन, दर्द देने वाली या ठंड वाली कैसी भी हवाएं चल रही हों. अली थैंक द ओल्ड सेज, अली ने क्या किया, उसको थैंक यू बोला. इन द इवनिंग अली इन्फॉर्म्ड अब्दुल्ला एंड हिज फ्रेंड्स एंड सेट आउट ऑन हिज वे. तो अली ने इन्फॉर्म किया अब्दुल्ला को, कि उसके सर्वेंट्स को, कि मैं भाई जा रहा हूँ रास्ते में. एट द पीक, शिखर पे जाके ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स एंड स्टूड देयर, उसने अपने कपड़े उतारे और वहाँ पर खड़ा हो गया. कोल्ड विंड स्वेप्ट माउंटेन डाउन द बिलो, अब क्या है ठंडी ठंडी हवाएं आने लग गई बहुत ज़्यादा. पर डाउन बिलो इन द वैली सेवरल माइल्स अवे, बहुत मीलों दूरों तक. ठीक है, मीलों दूरों तक वो वहाँ पर क्या हुआ, बैठ गया. देखो ये बैठा है ना यहाँ पर आग जला के. अलू, अब ये अली है. ठीक है, अली देखता है इसको तो एक होप बन जाती है. अली कुड सी द लाइट ऑफ द सेज फायर, वो देख सकता है उसकी फायर को देख सकता है. इट शोन लाइक अ स्टार इट इन द ब्लैक नाइट, वो ऐसा शो हो रहा था जैसे पूरी अंधेरी रात में एक छोटा सा कुछ काला ब्लैक जल रहा है. ठीक है, तो उसको एक तारा सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा था वो सब. टाइम पास स्लोली, धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया. द कोल्ड वॉज अनबियरेबल, जो ठंड थी ना वो बिल्कुल अनबियरेबल थी, मतलब सहन करने लायक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी. अली शिवर्ड एंड स्नीज्ड बट ही कैप्ट हिज आइज फिक्स्ड अपॉन द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फायर. अली मतलब बहुत बुरी तरह काँप रहा था, स्नीज्ड होता है छींकना, छींके कर रहा था, पर जो उसकी आइज थी ना वो बिल्कुल चमचमा रही थी. क्यों, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फायर पे था. ही थॉट ऑफ हिज फ्रेंड सिटिंग बिसाइड द फायर, वो सोचा कि मेरा दोस्त वहीं पे बैठा है, आपके पास ही है, मैं अकेला नहीं हूँ. ऑल नाइट ही स्टूड देयर नेक्ड एंड कोल्ड, वो पूरी रात ठंड में, नेक्ड होते हैं बिना कपड़े के. ठीक है, बिना कपड़े के रहा. नेवर डिड ही क्लोज हीज आइज़ फॉर अ विंक, उसने अपनी आँखें, विंक होते हैं ब्लिंक, जैसे हम झपकाते हैं ना हर 6 सेकंड के बाद हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं, तो उसने एक टक, जैसे कहते हैं ना कि एक टक देख रहा है, एक टक नज़र घड़ाए रखी. वैन
Dawn broke, Ali put on his clothes and came down the mountain. ठीक है, जब क्या हुआ, नीचे आया, वो कब आया, जब उसने रनिंग एंड स्लाइडिंग इन हैस्ट, वो जल्दबाजी में आया. ही रिपोर्टेड स्ट्रेट टू अब्दुल्ला. जैसे ही उसका टाइम ओवर हो जाता है, ठीक है ना, जैसे ही टाइम ख़त्म हो जाता है, ही डाउन ब्रोक, ठीक है, जैसे ही टाइम ख़त्म होता है, उसने कहा था पूरी रात रहना है आपको, तो जल्दी से वो क्या करता है, कपड़े लेता है और भाग के किसके पास जाता है, सीधा अब्दुल्ला के पास. हैस्ट होता है बेटा हरी, जल्दबाजी में अब्दुल्ला के पास जाता है. द रिच मैन वो सरप्राइज टू सी अली अलाइव. अब जो मर्चेंट था, अब्दुल्ला था, वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, अरे जिंदा कैसे रह गया. ही क्वेश्चन्ड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों से पूछा, डिड ही डू एज आई टोल्ड हिम टू, इसने वैसा ही करा है जैसा मैंने इसको बोला था. ही आस्क्ड, यस रिप्लाइड द सर्वेंट्स. अब नौकर कहते हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही करा है. अब्दुल्ला टर्न टू अली, अब अब्दुल्ला अली के पास जाता है. हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने कैसे मैनेज किया, तुमने ये कैसे किया. आर यू इंडीड, यू आर इंडीड अ करेजियस बॉय. हाँ तुम्हें क्या, बहादुर वो हो, ज़्यादा बहादुर हो तुम. I simply watched the light of a fire the valley. उसने कहा कि मैंने बस सिंपल सी जो फायर जल रही थी बहुत दूर, मैंने वो देख ली. Replied Ali, what? You watched a fire? उसने क्या कहा, अच्छा तुमने आग जलती हुई देखी थी. You did not obey the conditions of bat. तुमने conditions नहीं मानी bat की. You have lost the bat. अब तुमने क्या है, बैट तुम शर्त हार चुके हो. यू विल रिमेन माई सर्वेंट, अब तुम मेरे नौकर ही बन के रहोगे. एंड यू विल गेट नो लैंड फ्रॉम मी, और मैं तुम्हें कोई ज़मीन नहीं देने वाला है. शाउटेड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ये सब बातें चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई ज़मीन नहीं दूंगा, तुमने तो मेरे साथ धोखा कर दिया. पर अली जो है उसे क्या कहता है, बट द फायर वॉज नॉट क्लोज इनफ टू वॉर्म मी, इट वॉज क्वाइट फार, इन फैक्ट इट वॉज माइल्स अवे. ऑल क्राइड बट इट वॉज ऑफ नो यूज़. वो कहते हैं कि जो आग थी ना वो बहुत ज़्यादा दूर थी मुझसे, बहुत ज़्यादा, मेरे पास थोड़ी सी भी गर्माई नहीं आ रही थी. वो कहता है तो सोचता है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं. इट वॉज नो ऑफ यूज़. अब्दुल्ला रिफ्यूज़ टू डिस्कस द मैटर एनी मोर. अब अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं और इस बारे में बात नहीं करना चाहता. अली वॉज सैड, अली बहुत उदास हो गया. ही वेंट बैक टू द सेज एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. वो वापस अपने दोस्त के पास गया और उसको कहता है, सब कुछ बताता है क्या हुआ. टेक द मैटर टू द जज, तो उसको एडवाइज करता है कि जज के पास जाओ. ओके बेटा, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अहेड. थैंक यू, हैव अ गुड डे.